नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। आप सभी को गणतंत्र दिवस की न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी द्वारा देश में चल रहे भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस उत्तराखंड प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। वही कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों को हाथ जोड़कर काम करेगी और साथ ही कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कर बाद मंगलौर कस्बे में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता बता दें कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। काजी निजामुद्दीन के कहा है कि हरिद्वार जनपद में ये यात्रा 2 महीने तक चलेगी। इस यात्रा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेतागण भी शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाति ने कहा है कि देश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से सफल रहेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता जोश के साथ ही घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस के विचारधाराओं से अवगत कराएंगे। राहुल गांधी जी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होगा। और वो देश से नफरत मिटाने की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नफरत बोई है पिछले 8 सालों में, उसे दूर कर रहे हैं। और उसी कड़ी में पूरी कांग्रेस पार्टी हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, हर गाँव गली में, हम लोग आइए विधायक साहब, तो वो हर गली, हर वार्ड, हर मोहल्ले में इसी कड़ी में हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हम निकाल रहे हैं। और हम सभी लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि जो नफरत का माहौल इन्होंने बनाया है उस तौर पे कांग्रेस को फायदा है, इसके तो विपक्ष अपने आप बता रहा है। जब भी कोई कार्य अच्छा होता है तो विपक्ष जो है वो टिप्पणी करनी शुरू कर देता है आने वाले निकट भविष्य में, क्योंकि जन जन से जुड़ रहा है कांग्रेस का। कोई भी पदाधिकारी हो, आम कार्यकर्ता हो या नेता हो, हमारे माननीय राहुल गांधी जी यदि पद यात्रा पे हैं तो उसमें भी जलन है। वहां तो कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। वो व्यक्ति जो इतने प्रतिष्ठित परिवार से, जिसने देश के लिए उसकी दादी ने, उसके पिता ने बलिदान दिया। बहराइच में दारुल उलूम मसादिया मिसबैया खस्तियारी मस्जिद से सायरगंज में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्राचार्य मौलाना मोहम्मद आरिफ के द्वारा झंडारोहण किया गया है और बच्चों के राष्ट्रगान प्रस्तुत कर बड़े जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया है। और बता दें कि आज देश में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में एक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बहराइच की यह तस्वीर है जहां पर देखिए किस तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और इस दौरान झंडारोहण करने के बाद राष्ट्रगान की गई और इस दौरान गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश भर में एक जश्न का माहौल है। और ये मदरसों की तस्वीर है बहराइच की, जहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया गया है। बच्चों को गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में बताया गया है और 74वें गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी गई है। बता दें कि पूरे देश भर में आज गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है। और इस दौरान देखिए ये किस तरीके से बहराइच के मदरसे की तस्वीर है, जहां पर राष्ट्रगान गाकर झंडारोहण कर ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। बच्चों में एक अद्भुत खुशी इसको देकर देखने को मिल रही है और किस तरीके से इसको लेकर हमारे भारत के प्रति जो वहाँ के बच्चों में जो प्रेम है, भारत को लेकर जो सेनाओं ने अब तक अपना जो कर्तव्य निभाया है, इसको लेकर बच्चों को बताया गया है। और साथ ही बता दें कि इस गणतंत्र दिवस को लेकर बच्चों में एक अलग उत्साह का माहौल देखने को मिला है। झांसी में ऑल इंडिया मस्जिद ए इतहल मुस्लिम के बुंदेलखंड कार्यकाल में बता दें कि आज 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बुंदेलखंड अध्यक्ष हाजी सैयद सादिक अली ने झंडारोहण किया है और ध्वजारोहण के बाद पार्टी के सभी पदाधिकारी और सदस्यों ने राष्ट्रगान गाया है। इस मौके पर बुंदेलखंड अध्यक्ष हाजी सैयद सादिक अली ने कहा है कि संविधान हमारे देश की सबसे मजबूत कड़ी है। आज से 74 वर्ष पूर्व बता दें कि 1950 में देश का संविधान लागू किया गया था, तब से आज तक हम सब गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। ऑल इंडिया मस्जिद ए इतिहाजुल मुस्लिम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेरियस असलुद्दीन ओवैसी ने बता दें कि
बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है ये, और इस दौरान उन्होंने हाजी शौकत अली के निर्देशों का पालन करते हुए हम सभी लोग संविधान की रक्षा कर शपथ लेते हैं गणतंत्र दिवस को लेकर बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इस दौरान बता दें कि ये झांसी की तस्वीर है जहां पर ये गणतंत्र दिवस काफ़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। और इस दौरान बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने झंडारोहण किया है और राष्ट्रगान की धूम के साथ ये बता दें कि गणतंत्र दिवस 74वां गणतंत्र दिवस काफी ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। वही 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जिलाधिकारी ने कलेक्टर में ध्वजारोहण किया है झांसी में। बता दें कि ये जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने इस गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर कलेक्टर में ध्वजारोहण किया और सलामी दी है और राष्ट्रगान भी किया गया है। उन्होंने भारतीय संविधान के उद्देशिका को संकल्प को सामूहिक रूप से शपथ के साथ दोहराया। वही जिलाधिकारी ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि भारतीय संविधान का उद्देशिका के अनुसार के साथ कार्य करने का संकल्प लेते हैं। आज उस जज्बे के साथ समृद्ध प्रकृति और साथ ही विकास के मंजिल तक करते हैं। आप बता दें कि उन्होंने कहा है कि हम सभी भारतीय संविधान के आदेशों को आत्मसात करें और प्रेरणा लेकर समृद्ध प्रगति विकास की ओर बढ़े। उन्होंने अपने उद्बोधन में गणतंत्र दिवस की जानकारी भी दी है। और यह तस्वीर झांसी की जहां पर गणतंत्र दिवस की एक अलग तस्वीर सामने आई है और इस दौरान देखिए किस तरीके से कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया है और इस दौरान जिलाधिकारी ने इस दौरान कलेक्टर में ध्वजारोहण करते हुए नजर आए हैं, संकल्प दिलवाते नजर आए हैं। और साथ ही बता दें कि 74वें गणतंत्र दिवस के लेकर पूरे देश में एक अलग खुशी का माहौल और एक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और ये झांसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। रिलीज से पहले ही चर्चाओं में आई शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर ऋषिकेश में पहला शो प्रदर्शित हुआ है। और साथ ही बता दें कि ये जानकारी मिलने के बाद ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भड़क गए हैं। कार्यकर्ता स्थानीय सिनेमा हॉल में पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। सिनेमा हॉल से संचालन के फिल्म का बता दें कि प्रदर्शन बंद करने की मांग करते नजर आए हैं। इस दौरान हंगामे के आसार को देखते हुए सिनेमा हॉल के संचालक अशोक गुप्ता ने पुलिस को सूचना दी। सूचना ही कोतवाल खुशी राम पांडे में पुलिस फोर्स सिनेमा हॉल परिसर में पहुंच गए पुलिस फोर्स के साथ और उन्होंने कार्यकर्ताओं को काफी देर तक समझाया, जिसके बाद से कार्यकर्ता एसडीएम के नाम एक ज्ञापन कोतवाल को सौंपकर बेरंग लौट गए हैं। और साथ ही बता दें कि ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने पठान फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है, चेतावनी भी दी है और यदि जल्द ही फिल्म के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाई गई तो विश्व हिंदू परिषद जबरदस्ती फिल्म को प्रदर्शन होने से रोकेगा और जिसको लेकर जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भी है इस के विरोध में हमने पेंटागन मॉल पे अपना धरना प्रदर्शन किया था, तो इसका पुलिस वालों ने जो हमें उसका सहयोग नहीं करा, उन्होंने फिर हमारे जो साथ वाले हमने शांतिपूर्वक हम इसका धरना प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन उन्होंने हमें ना तो अंदर जाने दिया ना हमें वहाँ बैठ के शांति से धरना प्रदर्शन करने दिया। उसके बाद हमारे कुछ जो है उनको गिरफ्तारी करके यहाँ रोशनाबाद यहाँ पुलिस लाइन में उनको ले आए। बस धर्म के लिए अश्लीलता कुछ प्रदर्शन दिखाया गया है तो इसके उपलक्ष्य में हम लोग चाहते हैं कि इसका बिल्कुल पूर्णतः विरोध और पूर्णतः ही बंद की जाए क्योंकि इसमें बिल्कुल ही हमारे जो हिंदू उत्सव का जो हमारा सनातन धर्म का जो दिखाया गया है वो बिल्कुल अपमानित है और बहुत ज़्यादा ही अपमानित है। वो हम नहीं चाहते कि ये बिल्कुल सामने आए और दिखे क्योंकि इससे बहुत प्रभाव पड़ा है और पड़ भी रहा है। हमें बिल्कुल इसको बायकॉट करना है। जय श्री राम। रुद्रपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बुधवार को मतदाता जागरूकता और शपथ ग्रहण कार्यक्रम मनोज सरकार स्टेडियम में कराया गया है, जिसमें जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कई विद्यालयों से आए हुए विद्यार्थियों को मतदान के लिए जागरूक किया है और शपथ भी दिलाई गई है। इस अवसर पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा है कि जितना अधिक मतदान होगा लोकतंत्र उतना ही सशक्त होगा। उन्होंने कहा है कि मजबूत लोकतंत्र निर्माण के लिए सभी को देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने हुए
बता दी कि स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अनुच्छुण रखते हुए बता दें कि निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन में प्रभावित हुए बिना ही सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने सभी को जागरूक करते हुए कहा है कि बता दें कि पत्रकारिता पूरी कर रही युवा पीढ़ी मतदान सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाए, उन्होंने कहा है। पंतनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर द्वारा नशे और मादक पदार्थों की रोकथाम और उधम सिंह नगर क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार करने वाले लोगों के विरुद्ध बता दें कि प्रभारी कार्रवाई करते के निर्देश दिए गए हैं। त्रिवेणी घाट पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत चंद्रशेखर नगर में बता दें कि एसटीपी प्लांट के ग्रिल से संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक जूते के फीते से लटका हुआ मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक बुधवार की सुबह ही मरीज ड्राइव पर टहलने गए थे और इस दौरान एसटीपी प्लांट के ग्रिल से एक युवक का जूते के फीते से लटका हुआ शव मिला है, जिसके बाद से इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद से पुलिस ने आसपास से पूछताछ की। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने बताया है कि मृतक की पहचान 45 वर्षीय देवचंद्र निवासी चंद्रेश्वर नगर के रूप में हुई है और बीती रात देवचंद्र अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था और इस दौरान सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, मगर पुलिस ने पहुंचने से पहले ही देवचंद्र फरार हो गया है। सुबह उसका शव एसटीपी प्लांट के ग्रिल से लटका हुआ बरामद किया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट किया जाएगा। वहीं प्रथम दृष्टया मामले में आत्महत्या का पुलिस ने कहा है और उस पर लगातार पुलिस नजर बनाए हुई है। वही बता दें कि कपीरी पट्टी के कनखुल के राजेश्वर जिठाई देवी की द्वारा यात्रा बुधवार को पंती गांव से विद्या होकर नारायणबगड़ कस्बे में भ्रमण पर पहुंची। इस अवसर पर देवी के श्रद्धालुओं को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया है। 14 सालों बाद लंबे अंतराल के बाद अपनी ध्यानियों से मिलने निकली कनखुल कपीरी पट्टी के राजेश्वरी जिठाई देवी की बता दें कि द्वारा यात्रा आजकल त्रिला बांधान के गांवों का भ्रमण कर अपनी धयानियों और साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शन करने को लेकर आशीर्वाद दे रही है। इसी क्रम में मंगलवार को पंती गांव में रात में प्रवास के बाद बुधवार को राजेश्वरी जेठाई देवी नारायणबगड़ कस्बे में पहुंची और इस दौरान नारायणबगड़ कस्बे में कपीरी पट्टी की धानियों और साथ ही आम श्रद्धालु सुबह से ही राजराजेश्वरी जेठाई देवी की आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोपहर 1 बजे करीब दिवरा यात्रा के दौरान नारायणगढ़ पहुंचने पर लोगों ने जयकारों के साथ वहीं देवी का स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं जिठाई को जो है प्रणाम करता हूँ और पहली बार हमारे गांव में जो है जिठाई माता का द्वारा यात्रा जो है हमारे यहाँ पर पहुँची है और मैं पूरे कनखुल गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने जो हमारे गांव को ये मान्यता दी और हमारे गांव में जो आए हैं इसके लिए जो है उन लोगों को जो है दोबारा भी तहे दिल से स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। माँ जिठाई एक जो है शक्ति का रूप है, जिस शक्ति के रूप को जो है हम लोग पूजते हैं और उसी के रूप के अनुसार हम लोग भी जो है माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और हमारे यहाँ पे जिस प्रकार से प्रोग्राम हुआ उसके लिए जो है भरत सिंह बिष्ट ग्राम कनखुल तल्ला पट्टी कपीरी और हमारी डोली यात्रा नवंबर के महीने में मंदिर से बाहर प्रस्थान हुई। 3 महीने के अंतराल कनखुल में गांव में अन्य गांव में रही और 3 महीने के बीच में उनकी अपने घरवालों की रिहर्सल, अपने बंदोबस्ती कार्रवाई, नाच गान की शिक्षा करने के बावजूद हम
2 दिसंबर को भगवती भ्रमण के लिए बाहर निकली थी। जहाजी जिले के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के खाद्यान चौराहे से ग्राम टकटोली एक लगभग 20 किमी बता दें कि पीडब्ल्यूडी द्वारा ठेकेदार के माध्यम से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें ग्राम टकटोली पहुंचने पर इस दौरान भारी सकड़ा सड़क थी और इस दौरान जिसका चौड़ीकरण करने में किसान ने भूमि धरी की जमीन पर ठेकेदार द्वारा जबरन सड़क कर डाली है, जिसका किसानों ने कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसको लेकर लगातार किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों ने उप जिलाधिकारी से प्रार्थना पत्र देकर किसानों की जमीन पर अवैध रूप से डाली जा रही सड़क निर्माण को रोककर मुआवजा दिलाने की मांग की है और साथ ही 27 जनवरी से धरना प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए नजर आए हैं किसान। और इस दौरान बता दें कि झांसी में किसानों की भूमि को कब्जा कर लिया गया है और जिसको लेकर लगातार किसान जो है परेशान है और इस दौरान उनका ये कहना है कि भूमिधरी पर जबरन रूप से कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर किसान अब मुआवजे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और किसानों का कहना है कि अगर हमारी भूमि पर जबरन कब्जा किया जाएगा तो हमें उस भूमि का मुआवजा देना चाहिए, जिसको लेकर वे लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है 27 जनवरी को। अगर उनका ये कहना है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम उग्र तरीके से इस प्रदर्शन को करेंगे। झांसी पूरे देश के साथ साथ झांसी में भी आज 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। राष्ट्रभक्ति की भावना से ओम प्रोत तमाम कार्यक्रमों का आयोजन महानगर में हुआ है और इस दौरान मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइंस के मैदान में आयोजित किया गया, जहां शानदार परेड प्रदर्शन हुआ है। वहीं पुलिस विभाग के तत्वाधान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण किया है। राष्ट्रगान के साथ किए गए ध्वजारोहण में शहर के तमाम गणमान्य नागरिक और पुलिस प्रशासन आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। ध्वजारोहण के बाद शानदार परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं से टुकड़ियां बेहतरीन अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस अवसर पर बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा और अति उत्कृष्ट सेवा के सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से झांसी के परिक्षेत्र से पुलिस उप महानिरीक्षक जोगेंद्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेंद्र एस सहित तमाम पुलिस अधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।